चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। मुझे इस महीने बिल नहीं आया। हाँ, इनका भी बिल आता है। ओ माँ जी, जितना बड़ा इनका मुंह है और जितनी ज्यादा ये मुंह से ऑक्सीजन खींचते हैं, हुकूमत बिल तो लेगी। नबील, क्या बोले जा रहे हो यार? मैं बस साहब। ओ यार, आप लोग लड़े मत, मैं बिजली के बिल की बात कर रही हूँ। इस बार सबके बिल बहुत ज्यादा हैं। हाँ, आज सुबह ही हमारे जो हमसाए हैं ना, मुनीर मखदूम भाई, अरे वो यही कंप्लेन कर रहे थे कि उनका 90,000 रुपया बिजली का बिल आया। आप तो बस फिर इंशाल्लाह इससे ज्यादा ही आएगा हमारा बिल। नबील, क्या कह रहे हो तुम? और जानू, मोहल्ले में सबसे ज्यादा बिल हमारा आएगा तो तभी तो मजा आएगा लोगों को बताने में यार। नबील, जाके चेक करो यार, बिल क्यों नहीं आया? क्या है माँ जी, आप बिजली के बिल पर पकौड़े रख के खा रही थी? हाँ, तो मुझे लैटरीन में पड़ा मिला था ये कागज फ्रीदा। खूबसूरत माँ जी। हाँ हाँ, जो हमारा खूबसूरत सा लैटरीन है ये वहीं पड़ा था। अरे जल्दी देखो ना खूबसूरत, कितना बिल आया है? 1,20,000 का महमूद साहब। ये चीज मेरे अजीज, अब मजा आएगा जानू, पूरे मोहल्ले में फैला देंगे कि सबसे ज्यादा बिल इस मोहल्ले में हमारा आया। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। थैंक यू सो मच पापा, आपने बिल जमा करा दिया। आज आखिरी डेट थी बिल जमा कराने की। अगर आप पैसे ट्रांसफर ना करते ना तो बहुत मुसीबत पड़ जाती। थैंक यू पापा, खुदाफिज़। अब ख्याल रखेंगे। ओके। पापा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे ऑनलाइन, बिल जमा हो गया। इस बार मजा नहीं आया। इंशाल्लाह अगली बार 2-3 लाख का बिल आएगा ना, फिर मजा आना। क्यों, आप लोग फैक्ट्री खोल रहे हैं? जानू, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम पापा जी से पैसे मंगवा लो, हम साबुन की फैक्ट्री खोल लेते हैं। इस बहाने महमूद साहब नहा लिया करेंगे यार। अरे भाई, मैं पानी की बचत करता हूँ इसलिए जरा कम कम नहाता हूँ। कुछ बिजली की बचत भी कर लिया करें आप लोग यार। पापा कब तक बोझ उठाएंगे हमारा? जब तक वो कंजूस अदील को उसका वो नहीं देता था। वो क्या हक जानू, हक साडा हक पापा जी का ऐसे रख। बस बहुत हो गया, अब हम सबको बहुत एहतियात से बिजली यूज करनी होगी। वो जो हम एहतियात से यूज करेंगे वो बिजली होगी जी, वरना अगली बार जो बिल आएगा ना वो आप लोग देंगे। हाँ हाँ, मेरे मकसूद देंगे, अभी हम इतने भी वो नहीं हुए। दे मकसूद इसको। भाई मैं कहाँ से दूंगा बिल? मोमो, कमाल की बातें करते हो। भाई खूबसूरत, अब बिल तुम्हें देना। भाई मैं तो वैसे भी बिजली बहुत ही कम यूज करता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, आपका बिस्तर छत पे डालते हैं, वहीं सोइएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको एसी में सोने की। अरे भाई, छत पे तो ये बट जितने इतने इतने बड़े मच्छर होते हैं यार। तो क्या हो गया, मच्छर आपका जहरीला खून चूसेंगे और वहीं दड़म करके मर जाएंगे। चुप करो नबील, मैं तुम डंकर के मुंह ही नहीं लगना चाहता। पापा जी से कह के थोड़े पैसे ज्यादा मंगवा लेते यार। नबील, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। मुझे लगता है हमारा फ्रिज खराब हो गया है। अरे ये फ्रिज नहीं है मोमो, एसी है। हाँ तो ये चल क्यों नहीं रहा, मुझे बड़ी वो लग रही है। अरे भाई कैसे चलेगा, ये एसी का रिमोट नहीं है, टीवी का है। तो टीवी क्यों नहीं ऑन हो रहा? अरे टीवी बाहर लाउंज में पड़ा हुआ है मोमो। तो जाएं आप, टीवी यहाँ लाएं। ओह मुमताज, ये रहा एसी का रिमोट। हाँ इश्फाक, सुकून आ गया कसम से। माँ जी ये क्या है? ये कमरा है नरीन। मैं एसी की बात कर रही हूँ माँ जी, आज से एसी सिर्फ रात में चलेगा, वो भी 12 बजे के बाद। चुप है, मैं एसी के बगैर नहीं रह सकती। हाँ भाई, मेरा बीपी लो होने लग जाता है यार। बीपी लो हो या हाई, एसी सिर्फ रात 12 बजे के बाद चलेगा। प्रवीण, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे कमरे की वॉशिंग मशीन बंद कर दे। मैंने एसी बंद किया है माँ जी, और हाँ अगर सारा दिन एसी चलाना है ना तो आधा बिल आपको देना होगा। नहीं नहीं, हम एसी नहीं चलाएंगे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गुड गुड। एक मिनट, बड़ा जादू दिखाती हूँ आपको। मजा किया ना? ये मजा आएगा मरी की ठंडक का। वाह पापा जी, क्या एसी लगवा के दिया। नबील, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले समझाया था ना। हाँ जानू, तो ये रही तुम्हारी चाय, कम चीनी और तेज पत्ती वाली। मैं चाय की नहीं एसी की बात कर रही हूँ नबील। हाँ जानू, एसी जबरदस्त चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में ना सॉक्स पहन लूं और स्वेटर पहन लूं। नबील एसी बंद करो। नहीं नहीं जानू,
मैं ये गर्मी की तपश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है मेरी स्किन के लिए। हाँ, तुम यहाँ बैठकर मजे करो और मेरे बेचारे पापा 1-1 लाख का बिल भरते रहे। तो क्या हो गया जानू, मैं तो अभी भी उन्हें सस्ते में पढ़ता हूँ। कोई और दामाद होता तो 2-3 करोड़ पर मंथ में पढ़ता हूँ उनको। नबील, तुम्हें कोई एहसास नहीं है कितना ज्यादा बिल आया हमारा? एहसास है जानू, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पापा जी को मशवरा दूंगा कि वो ना मरी में गेस्ट हाउस खरीद लें। गर्मी हम वहां रहा करेंगे, ना यहाँ होंगे, ना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। शट अप नबील, मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। खबरदार जो मेरी गैर मौजूदगी में एसी चलाया। तुम्हारे सर की कसम जानू, ये लो, नहीं चलेगा एसी। ओके बाय जानू। खुदा हाफिज जानू, खुदा हाफिज। सर की कसम। हाँ जानू, कैसी बात कर रही है। ओके बाय। ओके बाय। याहू, ये चला एसी। और चल नवील, मोमो सावर माजी को भी इतला दे रहे। मोमो, कितनी गर्मी है यार, एसी के बगैर भी क्या जिंदगी है। एक बात बताएं, बचपन में आपके घर में एसी लगे हुए थे? अरे कहीं लगे हुए थे, हाथ वाले? अरे नहीं, मशीन वाले। माजी मोमो साहब, खूबसूरत सहेली की तरफ चली गई, एसी ऑन करे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी बले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए। जी क्या हुआ आपको? अब वो मुमताज की ना अचानक तबीयत खराब हो गई है। हाँ जी, और मेरी भी। अरे तुम ही मुमताज हो। अच्छा अच्छा, क्या हुआ है आपकी तबीयत को? वो ना, मुझे ना ठंड लग रही है। और ये कमरा इतना ठंडा क्यों हो रहा है? मेरे अंदर की ठंड बाहर आ गई है, उससे कमरा ठंडा हो गया है। क्या बताए ना, खिड़की बंद करो, ठंड आ रही है भाई। अच्छा शुगुफ्ता, प्लीज मेरे लिए चूचे की, देसी चूचे की यखनी बना के ला। हाँ, और आधा एक कप ना मेरे लिए भी। अच्छा, लाती हूँ अभी। शुक्रिया। देखा कैसा बेवकूफ बनाया इश्फाक। महमूद। हाँ देखा ना कैसा महमूद को बेवकूफ बनाया। मुझे फिर से गर्मी लगने लगी है मुस्तकीम। अब तुम गर्मी में ही रहोगी बच्चू। नबील, तुमने एसी चलाया था? अरे नहीं जानू, मैं कैसे एसी चला सकता हूँ? ये देखो रिमोट ऑफ हुआ है एसी। तुम्हारे सर की कसम खाई थी मैंने भाई। अच्छा तो फिर कमरा इतना ठंडा क्यों है? जानू, ये मेरे ईमान की ठंडक है, अल्लाह का मुझ पे करम है। ईमान की ठंडक तुम जैसे झूठे और मक्कार आदमी के लिए? चलो तुम मेरे ईमान की पुख्तगी से वाकिफ नहीं हो। नबील, मुझे पता है तुमने एसी चलाया था, और माजी और महमूद साहब ने भी चलाया हुआ था। अब से मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरूंगी। अच्छा जानू, बिल नहीं भरोगी तो बिजली कट जाएगी। चलो अच्छा है बिजली कट जाए। यार एक काम करेंगे, पापा जी से कहेंगे हमें ना छत पे सोलर पैनल लगवा दे, और फिर हमारे पास इतनी बिजली होगी कि हम पूरे मोहल्ले को बिजली फराहम करेंगे। लेकिन जानू, हम मोहल्ले वालों पे जुल्म नहीं करेंगे, उनसे पैसे ज्यादा नहीं लेंगे। हरगिज नहीं नबील, अगर बिजली कट गई ना तो मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी, और तुम सब लोग यहीं रहना बगैर बिजली के। नहीं जानू, नहीं, मैं तुम्हारे बगैर तो रह सकता हूँ, लेकिन बिजली के बगैर नहीं जानू। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, बिलीव मी, इट्स नॉट ओके। उफ, शुक्र है यार बाहर लॉन में आकर बैठे हैं। अरे अंदर कमरे में तो एसी के बगैर मेरा दम घुटता है यार। यार महमूद साहब, हर बात में आपका दम घुटता है, एक दफा मुकम्मल क्यों नहीं घुट जाता आपका दम भाई? चुप, ठीक ही तो कह रहे, एक तो तेरी
तेरी बीवी हिटलर की पोती बन के हम पे वोट आ रही है। ओ माँ जी मैं क्या करूँ यार, बस आप दुआ करें अगली गर्मी आने तक मुझे कोई ऐसी अमीर लड़की मिल जाए जिसका घर जो है ना वो सेंट्रली एयर कंडीशन हो। अरे भैया शादी तो हर मसले का हल नहीं होता है नबील, अरे कुछ सोचो यार। अरे खूबसूरत हमें एसी नहीं चलाने दे रही, हर आधे घंटे के बाद कमरे में आके चेक करती है वो। तो हम अपने दरवाजे पे वो छोड़ देते हैं मसूद। वो क्या? वो जिससे किलो डर जाए। कुत्ता? वो नहीं कुत्ता नहीं, वो जिससे बंदा नीला पड़ जाता है ना। नीला थोथा? नहीं सलमान, वो जो बारिशों में बिजली के खम्भों में आता है वो। ओ करंट? हाँ, हम अपने दरवाजे पे करंट छोड़ देते। ओ भाई ये क्या फेंक गया, कोई मले गया तो। जय शाबाश। ओहो, लगता है भाई किसी ने मुझे लव लेटर लिखा है। हाँ? मीटर पापा? अरे ले भी आओ नबील, क्या है यार? ओ यार महमूद साहब ये है जी मीटर पापा, मिनटों में कर दे मीटर स्लो। मीटर पापा का हाथ लगते ही बिजली का मीटर हो जाए इतना सुस्त के बिल ना आने के बराबर। 500 रुपए से ज्यादा बिल आए तो पैसे वापस, अभी कॉल करें और मीटर पापा से मीटर पर तावीज करवाएं। होश अवश्य पुत्र अकील, जल्दी से फोन मिला मीटर बाबा को। अभी ले माँ जी, एक सेकंड। क्यों ना हम मीटर बाबा को आज ही बुला लें। अच्छा ना, सबर तो करो, बात तो करने दो उसे। हेलो मीटर बाबा बात कर रहे हैं? हाँ जल्दी बोलो। अगर ज्यादा जल्दी बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अबे काम क्या है? काम कोई नहीं करता मैं, क्योंकि पैसे ही बहुत है। चंगा तू पूछी मुझसे क्या काम है। ओह मीटर बाबा, एक्चुअली दरअसल हकीकतन हमने आपको अपना मीटर दिखाना है। अच्छा, मीटर पे तावीज करवाना चाहते हो? हाँ बाबा जी, और आपने ऐसा तावीज करना है हमारे मीटर पर कि बिल 500 और मैक्सिमम 1000 आए। मेरी फीस पता है कितनी है चन्ना की पूछी? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी, वो हम लोग अमीर लोग हैं यार, करोड़पति लोग हैं, हमें इजी ले लिया बाबा जी आपने। अबे करोड़पति हो तो बिजली का बिल क्यों नहीं भरते चन्ना की पूछी? और बाबा जी वो हमारी मर्जी है यार, आप ये बताएं आपने आना है कि नहीं आना। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस फीस तैयार रखना। ओके बाबा जी ओके। लो माँ जी आ रहे हैं बाबा जी, अब हम लोग दिल भर कर एसी चलाएंगे। आ रही हूँ जी। चन्ना की पुच्छी, चन्ना की, चन्ना की पुच्छी, चन्ना की। क्या कहा आपने? अगर मैंने कह दिया तो आप बुरा मान जाएंगे। आप हैं कौन मिस्टर? मिस्टर नहीं, मीटर। मीटर? हाँ, आपने पंपलेट नहीं पढ़ा? कौन सा पंपलेट? आप प्लीज जाएं यहाँ से। अच्छा बाबा तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, वो भी पूरे 30%। आप खुश ना? मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए आपसे। अच्छा लगता है ये अमीर पार्टी है। अच्छा भाई मुझे अंदर तो आने दो। हरगिज नहीं, आप जाएं यहाँ से। कौन है प्रवीण? प्रवीण नहीं, कोई मीटर बाबा आया है। हाय मीटर बाबा, रोको यार, पता नहीं किस शख्स को अंदर ले आई है। ओ जानू इन्हें हमने बुलाया है मीटर बाबा। मीटर बाबा? अरे भाई ये मीटर पर तावीज करते हैं। क्या? हाँ, मैं मीटर पे ऐसा तावीज करता हूँ कि मीटर रिंगने लगता है और इतना स्लो हो जाता है कि 500-1000 से ज्यादा बिल ही नहीं आता। क्या बकवास है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मीटर बाबा के मोबाइल हर वक्त बिजली के खंभों पर चढ़े रहते हैं और जिसका मीटर बाबा स्लो करता है मोबाइल उसके घर की लाइट जाने नहीं देते। सुना जानू, मीटर बाबा के कमालात। ये सब बकवास है नबी, तुम फौरन इन्हें यहाँ से जाने को कहो। चुप, चीटर बाबा पे शक करती है तू। मुझे भी चीटर ही लग रहे हैं। पीटर बाबा आप ना आलिया के साथ साथ अपना मोकिल छोड़ दें। कौन आलिया? ये चुड़ैल। चुड़ैल को तो मेरे मोकिल काबू नहीं कर सकते। ओ बाबा जी इसे छोड़े यार, चले हम आपको मीटर दिखाते हैं। अच्छा मुझे आगे 10 घरों में भी जाना है। ठीक है ठीक है। अमल शुरू करने से पहले पैसे बता दूं। चीटर बाबा जो आपकी खुशी दे दें। पैसे तुम लोगों ने देने हैं। 20,000 रुपए लेता हूँ इस काम के, इस तावीज के। 20,000? हाँ, और वो भी एडवांस। चले महमूद साहब पैसे निकाले। अरे मैं कहाँ से पैसे दूँ भाई? और ड्रामे ना करें, सुबह तो पेंशन आई है आपकी, चले निकाले। यार तो फिर आधे पैसे तुम भी तो डालो ना। और जैसे मेरी नौकरी लगेगी मैं आपको वापस कर दूंगा। देखा,
मेरा पुत्र कितना वो और वो है। क्या झूठा और मक्कार? माँ जी सच्चा और खुददार कहना चाह रही हैं। हाँ, यही यही। ये लो पैसे। और ऐसा तावीज करना कि बिल ही ना आए। तुम लोग बेफिक्र हो जाओ और आंखें बंद करो। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए। ठंड पड़ गई है। ठंड क्या हो रहा है? ये आप लोग यहाँ बैठे पूरे घर की लाइटें, पंखे, एसी ऑन करके, माइक्रोवेव चल रहा है, फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है। फ्रिज तो मैंने खोला था निसीमा, किचन में बड़ी गर्मी हो रही थी इसीलिए। ओ जानू, मैं तो कहता हूँ पापा जी को कह के 2 टन का एसी किचन में भी लगवा ही दो। शट अप नबील। चुप। खबरदार जो मेरे कफील को कुछ कहा। ठीक ही तो कह रहे भाई, लगवा दे एक एसी किचन में, अब कौन सा बिल आना है। हाँ भाई खूबसूरत, हम मीटर बाबा के मुअक्कल का पहरा जो है वो हमारे मीटर पे है। क्या हो गया यार आप लोगों को, वो बाबा आप सबको बेवकूफ बना गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है जानू, उन्होंने अपने खास अमल से हमारा मीटर स्लो कर दिया है। पूरे 20,000 लिए। 20,000? आप लोगों ने बाबा को 20,000 दे दिए? हाँ, तो मेरे एजाज के पास बहुत पैसे हैं बच्चू। अरे कौन एजाज भाई? आप और कौन लियाकत? अरे इसे छोड़ो खूबसूरत, तुम खुद चल कर देखो। अरे मीटर बाबा के तावीज के बाद हमारा मीटर बहुत ही स्लो चल रहा है। चले आए चल के देखते हैं कि कौन सा मौकल छोड़ा है बाबा ने उस मीटर पर। मैं देखती हूँ, ठहरे ठहरे। ऐसे कह रही में क्या है? क्या यार, ये मीटर तो पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा है। ओ जानू मुझे देखने दो यार। देखिए जरा। तौबा 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 तौबा। 20,000 रुपए दे दिए। ओशा ओशे, ये तो पत्थर खोते की तरह भाग रहे हैं। नहीं माँ जी, घोड़े की तरह यार। क्यों खोता नहीं भागता क्या? चुप करो मोमो, मुझे तो लगता है मीटर बाबा का मुक्कल ना हमसे नाराज हो गया। रियली महमूद साहब, आपको अब भी लगता है कि मीटर बाबा फ्रॉड नहीं था? अरे ऐसा मत बोलो खूबसूरत, मैंने पूरे 20,000 रुपए दिए उसे इस मीटर की वजह से। मुझे तो लगता है वो कोई छेड़छाड़ करके गया मीटर के साथ, तभी मीटर इतना तेज चल रहा है। कुछ सोच नीला, कुछ सोच। खूबसूरत। हाँ खूबसूरत सा आइडिया लगा, मेरे मियाँ के पैसे कैसे वापस निकलवाने। नबील तुम जरा मीटर बाबा को फिर से फोन करो, उससे को हमने एक और मीटर पे तावीज कराना है, तो जरा आ जाए प्लीज। अभी ना जानू, अभी फोन करता हूँ इस मीटर बाबा को। और महमूद साहब आप जरा बट साहब को तो बुलाएं, इस मीटर बाबा को अंदर करवाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम मीटर बाबा। चलो भाई आज वो। चलना की पूछी चलना की, मीटर बाबा आ गया है, बोल बच्चा किस मीटर पे ताबीज करना है। चल चुटे। मीटर बाबा को झूठा बोला, मीटर बाबा के मौकल से डर नादान औरत। तेरे मौकल खुद ही डर के भाग देंगे हमसे। क्या? हाँ बाबा जी, अब सीधी तरह से वो 20,000 वापस करो, वरना हम अपना मौकल बुला लेंगे। घबरा मत बच्चा, मीटर बाबा दूसरा ताबीज कर देगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अरे नहीं भाई,
हमें अब कोई तावीज नहीं करवाना, शराफत से हमारे पैसे वापस कर। चन्ना की पुचिया अगर नहीं दिए तो तू सीधा जेल जाएगा। मीटर बाबा तू? ओ बरसा बरसा बरसा, आप जानते हैं मीटर बाबा को? पिछले महीने मेरी बीवी से लेकर आई थी मीटर पर तावीज कराने, ऐसी गड़बड़ की इसने, सीधा 2 लाख का बिल आया। 2 लाख रुपए का बिल? चल लो बाबे, अब चल के जेल के मीटर दुरुस्त करना। चन्ना की पूछी, चन्ना की, मेरे 20,000 यार। छोड़े यार, जानू तुम टेंशन ना लो जानू, हमारा बिल 2 लाख नहीं आएगा। शट अप नबील, मैं पापा के घर जा रही हूँ, सारे बिल अब आप लोग भरेंगे। जानू जानू जानू, चन्ना की पूछी का मतलब क्या होता है? चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बबल।